हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 15 की, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी को। तो क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड, यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, बोला गया है रेफर एग्जांपल नंबर 13, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। ये जो टेबल हमें दे रखी है, इस टेबल को हमें पूरा करना है, ठीक है। सम ऑफ टू डाइस, यानी दो डाइस के जो दो नंबर होते हैं उनको जोड़ने पर ये आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या क्या होगी, ठीक है। तो पहले है इस फर्स्ट पार्ट को, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो द फ्रेंड, दो डाइस को जब हम एक साथ उछालते हैं तो कुल मिला उसके 30 केस बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहली बार उछाला तो उसमें 1-1 भी आ सकता है, 1-2 भी आ सकता है, 1-3 भी आ सकता है, 1-4, 1-5, 1-6, इस तरीके से अलग अलग आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, 36। इन सबको काउंट करने पर कितने बनेंगे, 36। तो टोटल आउटकम या टोटल रिजल्ट कितने होंगे मेरे, 36 होंगे। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है ऐड करने पे 2 आए, ठीक है। तो ऐसा केस सिर्फ एक ही है, 1-1 एक ही केस है, तो इसीलिए 1 रखा ऊपर और टोटल केस रखा नीचे। अब हमें बताना है सम कितना आना चाहिए, 3। अब 3 आने वाले ऐसे कितने केस है, पहला केस देखो ध्यान से, ये रहा जो जोड़ने पर कितना दिखाएगा, 3, या तो 2-1 होगा या 1-2 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो कुल मिला के मेरे 2 रिजल्ट बनते हैं, ठीक है। और टोटल रिजल्ट कितने, 36। तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 3 लाने की वो कितनी होगी, 2 तो जाएगा मेरा ऊपर और टोटल जो आउटकम आएगा वो आएगा नीचे, ठीक है। टोटल रिजल्ट आएगा नीचे। अगर हमें सम बोला गया है कितना, 4, यानी कि सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे, वो ये वाले नंबर होंगे, ठीक है। जैसे कि देखो 3-1, 2-2, 1-3, इनको ऐड करने पे कितना आएगा मेरा, कितना आ जाएगा, 4 आएगा, यानी कि 3-1, 2-2 एंड 1-3 कितने केस बने, 3 केस बने। तो 3 रखेंगे ऊपर और टोटल रखेंगे नीचे। सम कितना आ जाए, 5। अब 5 लाने वाले ऐसे कितने केस हैं, तो देखो ध्यान से, सिर्फ हमें 5 वाले केस ही चाहिए, ये रहे, यानी कि 4-1, 3-2, 2-3 एंड 1-4 कितने केस बने, 1-2-3-4 टोटल मिले केस बने 4। तो 4 जाएगा ऊपर और टोटल आएगा नीचे। अब मेरे को चाहिए जिसमें जोड़ने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए, सम आए 6। तो 6 लाने वाले केस कौन कौन से हैं, ये रहे, जिसमें 6 आएगा, कौन कौन हुआ, पहला हुआ 5-1, दूसरा 4-2, तीसरा 3-3, चौथा 2-4, पांचवा 1-5। कितने हुए, 1-2-3-4-5 कितने केस बने, 5 केस बने। तो 5 को रखा ऊपर और टोटल रखा मैंने नीचे। अब सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 7 आने वाले कितने केस बनते हैं इसके अंदर, देखो ज़रा, ये रहे 7 वाले केस, यानी कौन कौन बना, पहला 6-1, 5-2, 4-3, 3-4, 2-5 एंड 1-6 कितने केस बने, 1-2-3-4-5-6 टोटल केस बने 6। तो 6 को रखा मैंने यहाँ पे और टोटल को रखा नीचे। अब मेरे को 8 का तो गिवन था, 9 का चाहिए, सम कितना आ जाए, 9। तो 9 वाले केस मेरे को बताने हैं। तो 9 वाले केस कौन कौन से होंगे, 9 वाले केस ही हो जाए और ये वाले हो जाएंगे, यानी कि 6-3, 5-4, 4-5 एंड 3-6 1-2-3-4 कितने केस बने टोटल, 4 केस बने, ठीक है। तो 4 जाएगा ऊपर और टोटल आ जाएगा नीचे। अब मेरे को पूछा गया 10 वाले, जो जोड़ने पे कितना आ जाए, 10 समाना चाहिए 10। तो 10 वाले केस कौन से हैं, ये वाले, देखो 6-4, 10 5-5, 5-10 4-6, 10 तो 6-4, 5-5 एंड 4-6 कितने केस बने, 3। तो 3 जाएगा ऊपर एंड टोटल आएगा नीचे। अब चाहिए मेरे को 11 वाला, समाना चाहिए 11। तो 11 वाले सिर्फ 2 ही केस हैं, ये रहे,
पहला कौन है 65, दूसरा है 56, टोटल केस कितने बनते हैं दो, तो दो जाएगा ऊपर और टोटल आएगा नीचे, ठीक है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ पे बताया तो आपको कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग आर वन रुपी कॉइन थ्री टाइम्स, एक रुपये के सिक्के को तीन बार उछाला गया है एंड नोटिंग इट्स आउटकम, इसके आउटकम को नोट कर लिया गया है। इस टाइम हनीफ जीत जाता है अगर उसकी जो टॉस आती है उसमें जो उसका रिजल्ट आएगा या तो तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, कहने का मतलब तीनों में रिजल्ट सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर वो हार जाता है, अगर बाकी कोई दूसरा केस आ जाता है तो वो हार जाता है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ हनीफ के हार जाने की, ठीक है। तो एक कॉइन को तीन बार उछाला गया है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम वेयर अ कॉइन टॉस्ड थ्री टाइम्स, यानी एक कॉइन को तीन बार उछाला गया है, तो इसके कितने टोटल कितने केस बन सकते हैं। इसको बनाने का पैटर्न ये होगा कि हमें चार बार तो लेना है हेड को, चार बार हेड, और चार बार किसको लेना है टेल को, फिर दो बार हेड लेना हमें, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल एंड हेड टेल। मान लो उसने पहली बार कॉइन उछाला उसमें हेड आया, दूसरी बार उछाला उसमें भी हेड आ गया, तीसरी बार उछाला उसमें भी हेड आ गया, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी उसके आने की। हेड आया ये भी हो सकता है, दूसरी बार उछाला हेड आया, क्या पता तीसरी बार टेल आ जाए, पहली बारी में हेड आया ठीक है, दूसरी बारी में टेल आ जाए, तीसरी बारी में हेड आ जाए, तो कुल मिला के इसके 8 केस बनते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि अगर सेम रिजल्ट आते हैं तो वो जीत जाएगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो दो रिजल्ट हैं, तीनों ही हेड और तीनों ही टेल, इनमें तो वो जीतेगा, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई भी केस आता है जैसे कि ये, तो इसमें क्या होगा, वो हार जाएगा। इन केस में वो हारेगा और इन दोनों केस में वो जीतेगा, ठीक है। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो पूछी गई इसके हारने की, तो टोटल इसके आउटकम कितने बने 8, प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी, इसकी लूज करने की, ठीक है। तो हाँ यहाँ लिखूंगा इवेंट नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम वेयर हनीफ लूज गेम, वो गेम को हार जाएगा। तो गेम को हारने कितने केस बनते हैं उसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस बनते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी होगी, तो लूज गेम अपॉन में टोटल आउटकम। अब लूज गेम कितने पे करेगा वो, 6 केस पे, और टोटल केस कितने हैं 8, कट रही है तो काटो, कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा मेरा रिजल्ट निकल के, ठीक है। अगर हनीफ हारेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/4। और इसी के साथ फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 23 आ